देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं मोला शील शुक्ला आपके साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में आमजन की शिकायतों के समाधान के लिए शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ 51,248 शिकायतों का समाधान भी हेल्पलाइन के माध्यम से किया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हेल्पलाइन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने की बात कही है। वह यह समाधान है जिनके प्रति शिकायतकर्ताओं ने संतुष्टि भी व्यक्त की है। यह जानकारी मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार रविंद्र दत्त ने साझा की। आईटी सलाहकार रविंद्र दत्त ने कहा कि हेल्पलाइन 1905 कोरोना महामारी और प्राकृतिक आपदा समेत अन्य समस्याओं के समाधान के लिए जनता के लिए वरदान साबित हो रही है। जनता कई समस्याओं के लिए दफ्तरों के चक्कर ना लगाए और एक फोन या वेबसाइट के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान हो सके, इसी मकसद से यह सेवा शुरू की गई है। हेल्पलाइन में हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, पंजाबी और अंग्रेजी भाषा में समस्या दर्ज कराई जा सकती है। मान के चलिए करीब हमारे पास 70,000 के आसपास शिकायतें शिकायतों के रूप में दर्ज करी गई। कई बार ऐसे केसेस जैसे कोर्ट केसेस वगैरह होते हैं उनको हम लोग नहीं लेते, पर जो इनका शिकायत का प्रारूप है 70 के आसपास थी, तो जिसमें आज की डेट में 51,248 शिकायतों का 2 साल के अंदर संतुष्टि के साथ समाधान हो गया है। इसमें प्रक्रिया यह है कि जब शिकायत पर कार्रवाई कर दी जाती है अधिकारी के द्वारा, तो इसमें शिकायतकर्ता को कॉल किया जाता है और शिकायतकर्ता कहता है कि मेरी शिकायत को बंद कर दिया जाए, यानी संतुष्टि के साथ जब समाधान मिल जाता है तब शिकायत को जनता की फीडबैक के आधार पर बंद करा जाता है। तो इसमें पारदर्शिता बनी रहती है, शिकायतकर्ता अपने घर से घर बैठे बैठे शिकायत कर सकता है, मुख्यमंत्री सचिवालय या मुख्यमंत्री आवास के चक्कर काटने नहीं पड़ते, अधिकारियों को चक्कर काटने नहीं पड़ते, उल्टा अधिकारी ही फॉलोअप लेते हैं, तो सुशासन की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है सरकार। चमोली आपदा के 18वें दिन भी तपोवन बैराज और सुरंग में लापता लोगों की खोजबीन का अभियान लगातार जारी है। हालांकि मंगलवार को कोई शव नहीं मिला। अब तक तपोवन टनल से करीब 184 मीटर तक का मलबा हटाया जा चुका है। आपदा में लापता 204 में से 70 शव और मानव अंग मिल चुके हैं, जबकि 134 अभी भी लापता हैं। वहीं आपदा में मारे गए 40 लोगों की शिनाख्त भी हो चुकी है। तो हम आपको खबर दिखा रहे हैं चमोली आपदा में का आज 18वां दिन है। खुदाई का कार्य अभी भी लगातार जारी है, रेस्क्यू टीम वहां पर अभी भी मौजूद है। उत्तराखंड में कोरोना के 54 नए मरीज मिले हैं, एक संक्रमित की मौत हो गई। इसी के साथ ही राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 96,783 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में एक भी नया संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है, जबकि देहरादून में 30, हरिद्वार में 7, नैनीताल में 3, पौड़ी में 3, यूएस नगर में 10 और टिहरी जिले में 1 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में भर्ती 1 संक्रमित की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में अभी तक मरने वाले कुल मरीजों की संख्या 1690 हो गई है। राज्य में संक्रमण की दर 4.15% है, जबकि मरीजों के ठीक होने की दर 96.38% हो गई है। राज्य भर के अस्पतालों से कुल 8,445 मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। 8,000 से अधिक की रिपोर्ट आई है, जबकि 7,000 के करीब मरीजों की रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। राज्य में कोरोना संक्रमण के बाद 93,238 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और 423 मरीज अस्पतालों में अभी भी भर्ती हैं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में आगामी 1 से 7 मार्च तक योग की गंगा बहेगी। गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से गंगा रिजॉर्ट में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव होगा। महोत्सव में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा सेट्टी बतौर योगाचार्य साधकों की योग की शिक्षा देंगी। 7 दिवसीय योग महोत्सव की तैयारियों को लेकर GMVN के कर्मचारी व्यवस्थाओं में जुट गए हैं। COVID-19 के कारण इस बार महोत्सव में विदेशी साधकों के शामिल होने की उम्मीद कम ही जताई जा रही है। बीते साल की बात करें तो इस महोत्सव में देश विदेश से करीब 1500 से अधिक साधकों और 150 से अधिक योगाचार्यों ने हिस्सा लिया था। इस बार अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं पूरी तरह बंद होने से महोत्सव में विदेशी साधकों के उमड़ने की कयास कम ही लगाए जा रहे हैं। योग महोत्सव का शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज करेंगे।
लक्सकर विधान विकास खंड के सभागार में महिला सशक्तिकरण को लेकर बाल विकास विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लक्सकर उप जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कुछ महिलाओं को सम्मानित किया गया। लक्सकर उप जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि समाज में बेटियों का अहम योगदान है। आज के समाज में बेटियों को पढ़ाना उतना ही जरूरी हो गया है जितना बेटों को पढ़ाना जरूरी है। लक्सकर उप जिलाधिकारी ने कहा कि समाज में सम्मान दिलाने के लिए बेटियों को पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है। विकास नगर में नदियों का खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रही है। एसडीएम विकास नगर और खनन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ओवरलोडेड खनन वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान 6 से ज्यादा गाड़ियों को भी सीज किया गया। बताया ये जा रहा है कि खनन माफिया रात का फायदा उठाकर वाहनों की ओवरलोडिंग कर रहे थे। वहीं इस कार्रवाई पर एसडीएम का कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। हम अभी जो दूसरे स्टेट से कुलाल के बॉर्डर से जो खनन मटेरियल आ रहा है जो रात को चलता है तो उसमें चेकिंग कर रहे हैं। तो उसमें हमें शिकायत मिल रही थी कि कोई अगर स्टोन क्रस्ट मटेरियल नहीं आ रहा है, आरबीएम आ रहा है या जो नदी के किनारे से उठा के वो लेके आ रहे हैं, तो वो हमने चेक किया है। तो उसमें जो भी है वो सभी स्टोन क्रस्ट मटेरियल आ रहा है। साथ में हम अभी यहाँ धर्म कांटे पे खड़े हैं, यहाँ पर हम गाड़ी का वेट करवा रहे हैं। जो भी ओवरवेट गाड़ियाँ हैं उनको हमने चालान कर दिया है। हमें अभी तक 10 ओवरवेट गाड़ियाँ मिल चुकी है और ये अभियान पूरी रात भर चलेगा। इसमें हम ये देख रहे हैं कि कोई भी अवैध खनन से जो ट्रक लोड होके आ रहा है वो यहाँ हमारे स्टेट में आ ना पाए। किसी लस्कर क्षेत्र की कस्बा सुल्तानपुर में धर्मपाल सिंह जिलाध्यक्ष हरिद्वार ने ग्रामीण के साथ जामा मस्जिद से लेकर अली चौक तक बढ़ती महंगाई को लेकर एक कैंडल मार्च निकाला, जिसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मौजूद नेताओं ने कहा कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तेल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के 3 काले कानून बनाकर किसानों के खिलाफ बहुत ही घिनौनी साजिश की जा रही है। इस डबल इंजन की सरकार को आने वाले चुनाव में किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान मुंह तोड़ जवाब देंगे। विरोध कर रही है और करती रहेगी और इनको ये एहसास करा देंगे 2022 के चुनाव में कि तुमने झूठ बोला जनता के सामने और झूठ बोलकर का आपने सारी जनता को महंगाई के कागार पर खड़ा कर दिया। आपको आज ये जवाब दे रहे हैं वोट के माध्यम से, भले ही आपकी जो है वीवीएम जो है हैंग कर लें। रुद्रप्रयाग में भरदार क्षेत्र की सड़क, पानी, संचार सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर 29 ग्राम सभाओं के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि 1 महीने के अंदर भरदार में पेयजल योजना से जल पूर्ति हो, साथ ही सड़कों का निर्माण भी हो। ग्रामीणों प्रशासन को चेतावनी भी दी गई है, अगर उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। मौके पर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा गया है। वहीं जल विभाग ने अभी तक योजनाओं पर 25,44,00,000 रुपए खर्च कर दिए हैं, इसके बावजूद पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो पाई है। फेज 2 के लिए 7 करोड़ का आड़गन भेजा गया है जिसकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। का जो प्रकरण की जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें लगभग 80-90% कार्य पूर्ण हो चुका है, परंतु कुछ समय से जब इस संज्ञान में आया कि वो योजना रुकी हुई है तब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी गई और इसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच ऑलरेडी गठित की जा चुकी है, जिनको निर्देशित किया गया है एक पक्ष के भीतर तत्काल अपनी जांच आख्या उपलब्ध कराएं और इसमें जो भी कार्य रुके हुए हैं उनका समाधान करते हुए कार्य को तत्काल पुनः चालू करवाते हुए जल्द से जल्द। भरदार क्षेत्र का जो बहुत दुर्भाग्य, समझ लो कि बहुत लंबे समय से जब चुनाव दौरान होते हैं तो सारे लोग भरदार क्षेत्र में बहुत टकटकी लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है। और अभी यहाँ पर सभी लोगों ने ये सोचा है कि मुख्यालय में जाकर अपने मुख्यालय को बताएं कि भाई यहाँ पे कार्य नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए सारी जनता यहाँ पर आकर भरदार के विकास संबंधित यहाँ पर आए हैं, क्योंकि पानी की बहुत
अभी यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी फरवरी माह से ही यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत होने लग गई है। सड़कें मंजूर हैं लेकिन सड़कें कट नहीं रही हैं, इसलिए लोगों का आक्रोश जो है आज ये मुख्यालय में इसलिए लोग उपस्थित हुए हैं। और UKTV हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए। मसूरी में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने लोगों को तंबाकू के प्रति जागरूक किया और बताया कि 2018 में मसूरी को तंबाकू फ्री घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद जिला तंबाकू नियंत्रण बोर्ड लगातार मसूरी के लोगों को तंबाकू के दुष्परिणामों से अवगत करा रहा है। इस संबंध में मनोचिकित्सक अनुराधा ने बताया कि वह लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में बता रही हैं। देखिए, हम लोग मेनली वो ग्रुप पकड़ रहे हैं जहाँ पर तंबाकू इस्तेमाल होता है अधिकतर। जैसे हम लोग रिक्शा यूनियन के बीच में आए हैं, यहाँ पर अधिकतर लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम लोग सारा दिन के थके हुए होते हैं, शाम को हमें रिलैक्स करने को कुछ चाहिए होता है, जिसमें शराब का और बीड़ी सिगरेट और तंबाकू का सेवन ये लोग करते हैं। तो इन लोगों को ये भ्रांति दूर करनी है कि जिसको ये अपना दोस्त समझते हैं वो असल में इनका कितना बड़ा दुश्मन है, ये जानकारी देना इन तक जरूरी था। देखिए, जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे साथ हमारी मनोवैज्ञानिक हैं डॉक्टर अनुराधा, वो लोगों से ग्रुप के माध्यम से बात कर रही हैं कि किस तरह से उन्होंने शुरू किया और क्या वो, मतलब क्या वो महसूस करते हैं, छोड़ने में उनका क्या रोल है, उनका एक पूरी प्रक्रिया होती है इस तरह से कि जो लोग इस चीज़ का उपयोग करते हैं उनसे बात करी। जैसे अभी हमारा जो रिक्शा जो ये पूरा ये भाई लोग हैं, इन लोगों से हम लोगों ने बात करी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करे कि ये क्यों स्मोकिंग करते हैं या क्या क्यों ड्रिंक लेते हैं, उसी से उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया। फिर डॉक्टर साहब ने उनको बताया कि आप किस तरह से उसको छोड़ सकते हैं, हमारा विभाग किस तरह से उनकी मदद कर सकता है। जैसे कॉर्नेशन अस्पताल में वो बैठती हैं तो वहाँ से वो लक्सकर के तहसील परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के बनाए 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता अनुपमा रावत ने कहा कि देश का किसान केंद्र सरकार के बनाए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है, साथ ही उन्होंने तीनों कानून वापस नहीं लिए जाने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता सहित किसान कांग्रेस नेता सुनील राठी भी मौजूद रहे। विरोध कर रही है और करती रहेगी और इनको ये एहसास करा देंगे 2022 के चुनाव में कि तुमने झूठ बोला जनता के सामने और झूठ बोल कर आपने सारी जनता को महंगाई के कगार पर खड़ा कर दिया। आपको आज ये जवाब दे रहे हैं वोट के माध्यम से, भले ही आपकी जो है VVM जो है हैंग कर लें। इसी के साथ ही उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम TV के साथ।